मेरा दिल शेर शेर है, सूरज है मेरा पुत्र। इतनी आसानी से खुनूक नहीं होगा। है जो पे मेरी का निशान दिल शेर, खुद में पूरा है जहां दिल शेर, है गलान सरे आप दिल शेर, दिल शेर, दिल शेर। प्यार है का सारा बिन यार ना गुजारा वे तू इश्क दा मारा, वे तू इश्क दा मारा, इश्क दा मारा वे तू इश्क दा। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं और मैं जानता हूं कि आप मुश्किल में हैं, मैं ये नहीं जानता कि क्या मुश्किल है, कौन मुश्किल है। कुछ और बोलने की कोशिश करें, आप कर सकते हैं। इशारों से या लिख ही समझा दें, लिख के। तू पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गई, ऐसा तूने होने कैसे दिया? कैसा इम्तिहान? कौन हूँ तुम और ये क्या कह रही हो? तेरी वाहिद हमदर्द हूँ मैं, दूसरे को तो तूने खो दिया। किसे खो दिया? बाबर को। तुम बाबर का नाम कैसे जानती हो? ये सब तुमने किया है ना? नहीं, सब तेरा किया धरा है। तुम मुझसे चाहती क्या हो? दिखाओ खुद को, सामने आओ। वो आ गया। कौन आ गया? तेरे पास आखिरी मौका है उसे वापस पाने का। किसे पाने का? तेरा बाबर। कहाँ आ गया? तू उसे पाना चाहती है? हाँ। तो जाग। बाबर, यहाँ कोई पेन पेपर, कोई कागज किताब है क्या? मेरी डायरी, मैं अपनी डायरी साथ ले आया था, कहाँ है वो डायरी? लेकिन इस वक्त क्या करना है? जो भी करना है मुझे बताओ, कहाँ है वो? यही बैग में होगा, कहीं मैंने नहीं देखी। बाबर कहाँ जा रहे हैं? काम पे। शाहजी के पास वापस जा रहे हो? हाँ। मान जाओ बाबर, वो अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे मत बोलो रबाब, वो वली हैं, मुश्किल में है और मैं उनका मुश्किल कुशा। वो कुछ कह रहे हैं, वो पुकार रहे हैं और मैं उनकी आवाज सुनूंगा। और तुम खुद ही तो कहती थी कि उनकी बातों में कोई मतलब है। क्या हो गया तुम्हें बाबर? मुझे डर लग रहा है बहुत ज्यादा। ख्वाबों में वो औरत मुझे डराती और तुम हकीकत में। बस बाबर, मैं कहती हूँ बस चलते हैं यहाँ से, सब कुछ छोड़ दो। वो पीर हैं, आका हैं, गुरु हैं मेरे। एक चेला अपने गुरु को छोड़कर कैसे जा सकता है? वो तुम्हारे गुरु नहीं है, वो मक्कार है, फासिक है, खनास है, जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया।
मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ऐसे अल्फाज मुंह से मत निकालो। मकार फासिक खनास वो हैं जो तुम्हें ग्लास भर भर के पिलाती हैं। और मैंने उसका असल चेहरा देख लिया। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस जहर को हाथ तक ना लगाता। कौन है रूसा? हाथ छोड़ो मेरा। नहीं बाबर प्लीज, खुदा का वास्ता है मत जाओ। आज रात गुजार लो, फिर सुबह देखते हैं ना क्या होता है। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। अगर तुम अभी गए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मुझसे ज्यादा अजीज है वो तुम्हें। मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, पूरी दुनिया से ज्यादा अजीज है। हाथ छोड़ो मेरा। बाबर, बाबर रुको, बाबर रुको, मेरी बात तो सुनो। पर मैंने ऐसा क्या किया? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसे? बाबर रुक जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। ये आप जो भी कहना चाहते हैं इस पे लिख लें। इसका मतलब लिखें। लिखना तो आता है ना?
करीब मत आना मेरे, दूर हो मुझसे मेरे करीब मत आना। डरो मत रबाब, ये पी लो, तुम तकलीफ में हो। नहीं पीऊंगी मैं, कभी भी नहीं पीऊंगी। मैं जानती हूँ तुमने क्या मिलाया है इसमें। चली जाओ यहाँ से, कौन हो तुम? तुम्हारे दोस्त है रबाब, तुम्हारा भला चाहते हैं। शाबाश ये पी लो, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। नहीं पीऊंगी मैं, कभी भी नहीं पीऊंगी। तुम लोग सब मिले हुए हो, सब एक हो। चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। हम उनमें से नहीं है रबाब, हमदर्द है तुम्हारे। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मुझसे, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं मसरूफ हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा मैं मसरूफ हूं।
शाजी बोलिए। दनाल दनाल हिलेश दिखनादेश हसील मेल जरूसा दनाल दनाल भेजना काम लौटी तू? मैं खुद नहीं आती यहां, सच बताओ क्या हो रहा है यहां? बताया तो है, एक खन्नास है इस घर में, जिल्ले ब्लीस, उसी का किया धरा है सब। क्यों क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्योंकि तू हाथ पे हाथ धरे बैठी है। मैं क्या करूं और मैं ही क्यों करूं? क्योंकि तूने कसम दी थी। किससे कसम दी थी? जिसे बचाएगी तू। किसे बचाना है किसे गिराना है ये फैसला तो तेरा ही है। तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती हो? क्योंकि यहां सब उल्टा है, सीधा तो तूने करना है। मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूं? क्यों करूं मैं तुम्हारा एतबार? मैं जानती हूं ये ख्वाब है हकीकत नहीं, और तुम भी हकीकत नहीं हो। सही कहा तूने, ये ख्वाब है पर मैं हकीकत हूँ। सामने देखना है तो तू सामने आ, जाग। कौन हो तुम? तेरी हमदर्द। और जिले इब्लीस वो कौन है? जो दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, अंदर सब उल्टा है, सब बरक्स है। किसी के बहकावे में ना आना, किसी पर एतबार ना करना, खुद पर भी नहीं। बस याद रख, उसकी असलियत उसकी तस्वीर में है, पलट कर देख उसे, जान जाएगी। उसकी हकीकत उसकी जबान में है, पलट कर सुन उसे, समझ जाएगी। उसकी शनाख्त उसके नाम में है, पलट कर पढ़ उसे, पहचान जाएगी। उसका नाम क्यों नहीं ले सकते तुम?
नाम लिया तो काम तमाम हो जाएगा, वक्त की सुई शुरू से चलेगी, तू ढूंढ लेगी उसे, इसमें कोई शक नहीं है। वक्त में ढूंढ पाएगी बस इसका खतरा है। बस याद रखना, उसकी शनाख्त उसके नाम में है, पलट कर पढ़ उसे, पहचान जाएगी। अंदर सब उल्टा है, सब बरक्स है। उसकी शनाख्त उसके नाम में है, किसी पर एतबार ना करना, खुद पर भी नहीं। किसी पर एतबार ना करना, खुद पर भी नहीं। यह
ऐसा नहीं हो सकता। हाशिम शाह, उसकी शनाख्त उसके नाम में है, पलट कर पढ़ उसे। हाशिम शाह जिले पुलिस है। बाबर, शुक्र है तुम आ गए हो। रबाब, मैंने पता कर लिया, बस थोड़ा रुको, हम शाहजी को समझ पाएंगे। कोई रुकने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ वो शख्स कौन है। वो शैतान का चेल है, जिले इब्लीस है। ऐसे मत बोलो, मैंने मना किया था तुम्हें। खुद को गुनहगार मत करो। शैतान शाहजी नहीं, अरूसा है, अरूसा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मेरा दिल कहता है। दिल काफी नहीं है बाबर। ये देख रही हो ना, इसमें शाहजी की आवाज रिकॉर्ड है और मुझे यकीन है कि शाहजी उल्टा बोल रहे हैं। अरूसा ने जादू किया हुआ है उन पे। तुम ये सुनोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। तुम जानते हो उल्टी जबान किसकी होती है? शैतान की होती है। और हाशिम शाह की सिर्फ जबान उल्टी नहीं है, उसके करतूत भी उल्टे हैं। ये तुम नहीं बोल रही, ये अरूसा बोल रही है। मैंने मना किया था कि उसे दूर रहो तुम। उससे दूर रहती तो किसके पास जाती, किससे मदद मांगती? तुमसे? जब तुम नहीं थे ना, तो वो ही मेरा वाहिद सहारा थी। मैं तो मर रही थी बाबर, लेकिन तुमने मुझे धुतकार दिया। अपने इस बहके हुए मिशन में मेरी कुर्बानी दे दी। तुम कुछ नहीं जानती रबाब, तुम कुछ नहीं जानती। जब ये सुनोगी तो तुम जान जाओगी। दूर रहो अरूसा से।
यहाँ तो एक बूढ़ी औरत आई थी ना, तो तुमने गुत्थी सुलझा ली? बात मत घुमाओ, यहाँ एक औरत आई थी, कहाँ है वो और आप यहाँ क्या कर रही हैं? कौन सी औरत? वो डर मत, बैठो। मैं ऐसी ठीक हूं, मुझे सच सच बताओ इस घर में क्या चल रहा है। कहां से शुरू करूं? शुरू से, और इस बार सिर्फ सच। बहुत झूठ बोल लिया तुमने। तो बात तुम तलक पहुंच ही गई। पहुंचनी तो थी। ये सच है कि हमने तुमसे झूठ बोला, मगर सिर्फ इसलिए है कि सच तक तुम खुद पहुंच सको, क्योंकि इस झूठ के बगैर आगे आने वाले सच पर यकीन करना नामुमकिन हो जाता। कैसा सच? वो सच जो सच के बरक्स है। तुमने बचपन में फासिक जादूगर की कहानी तो सुनी होगी ना, जिसने शहजादी को अगवा करके अपने किले के मीनार में कैद कर लिया था। हम शहजादी नहीं हैं, लेकिन हाशिम के कैदी जरूर हैं। हमारी रूह पे काबिज है वो, ना इस चार दीवारी के बाहर कदम रख सकते हैं और ना ही उन दियों के हिसार के अंदर जब तक नापैद ना हो जाए। हाशिम का कुछ सच तो तुम जान ही चुकी हो। इस तस्वीर में हाशिम ही है, तारीख के और आग को पलटोगी ना तो सदियों तक कहीं ना कहीं उसके आसार जरूर पाओगे। ये दुनिया वैसी नहीं है रबाब जैसी दिखती है, कई अक्स हैं इसके, और उनमें से एक पर अक्स है जिसमें हम जी रहे हैं। हाशिम सरदार है इस दुनिया का, इस दुनिया के राज, इसकी चाबी, इसकी गिरफ्त उसी के हाथों में है। क्या कह रही हो तुम? तो ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? इब्लीस की अगर एक तमन्ना होती तो क्या होती? वक्त को रोकने की तमन्ना, उसका रुख मोड़ने की तमन्ना, उसे अपनी उंगलियों पे नचाने की तमन्ना, हमेशा जिंदा रहने की तमन्ना। हाशिम इब्लीस के चहलों में से है, साया है उसका, जिल्ले इब्लीस है वो। सदियों से हम जैसों की उम्रें छीन कर खुद को, शैतानियत को तकवियत दे रहा है। जो हमारे अक्स में दिख रहा है वो हम ही हैं हकीकत में, और जो सामने दिख रहा है वो सैराब है। हमारी उम्र का एक खातिर ख्वाह हिस्सा खुद को लगा चुका है। आज मैं हूं, कल कोई और होगा, लेकिन आज मैं उन दियों का ईंधन हूं जो हाशिम ने अपने इर्द गिर्द बिछाए हुए हैं, जो उसे जिंदा रखे हुए हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्योंकि